बर्नर्ड। तो आज हमारे पास है द एमजी हेक्टर। ना शुरू करने से मैं आपको बताऊंगा कि इसका हमने डिटेल रिव्यू, अगर आपको याद हो तो हमारी सबसे पहली वीडियो इस पे थी, तो वो उस टाइम पे गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू थी, तो उसका हमने रिव्यू करा था। अगर आपको देखना है वो रिव्यू, एक्चुअल रिव्यू, तो ऊपर आए लिंक पे क्लिक कर सकते हो। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, गाड़ी को हो गए अप्रॉक्स 8-9 महीने एंड गाड़ी चल गई आपकी 6-7 हज़ार के अराउंड, 6 हज़ार अराउंड एक्चुअली, तो उसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा है, क्योंकि मेरा अप डाउन रहा है कि मतलब दिल्ली टू नोएडा या नोएडा से ग्रेटर नोएडा, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस मैं ट्रिप मारता हूँ, छोटे सिटी में भी ड्राइव करिए, तो उसके बारे में मेन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से मैंने आपको बेसिक लुक आपको बताई है, गाड़ी का जो इंजन है वो 2000 सीसी का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, हाइब्रिड मॉडल है ये, तो ऑब्वियसली बात है गाड़ी बैटरी और इंजन के बीच में मिक्स चलती है, तो गाड़ी की माइलेज आपको ज़्यादा मिलती है इस गाड़ी के अंदर। बट अभी तक जितनी मैंने चलाई उसके अंदर मेरे को नहीं मिली, तो हो सकता है बिकॉज चली नहीं है गाड़ी, इतनी कम चली है इस चक्कर में माइलेज कम है। अगर मैं वैसे बात करूँ तो आपको पता है गाड़ी की लुक काफ़ी बोल्ड है, लोगों को जल्दी पसंद, मतलब दो टाइप की ऑडियंस है यहाँ पे, दो, किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को बिल्कुल ख़राब लगती है, मिक्स कोई नहीं है, जिसको ठीक ठीक लगती है, तो दो डिफरेंट माइंडसेट्स है। मेरे को पर्सनली हमेशा से बहुत अच्छी लगी, तभी हमने ली भी थी, बिकॉज ये और सेल्टोस सेम टाइम में आई थी, बट इसकी लुक मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी थी। प्लस ये जो कार है आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस है अंदर से, वो हम बात करेंगे अभी 2 मिनट में। हाँ, तो अगर गाड़ी की साइड में आपको दिखता है कि यहाँ पे आपको अलॉयज मिले हो या गाड़ी की तरफ से डुअल टोन के अंदर, काफ़ी डिफरेंट शेप, मतलब सुंदर है दिखने में, ऐसी ज़रूरत नहीं लगती मेरे को कि मैं बाहर से लगवाऊँ या कोई और लगवाए, आपको इसलिए दिखेगा कि एमजी के अंदर लोग बहुत कम ही लोग हैं जिन लोगों ने अलॉयज लगवाए हुए बाहर से। बाकी आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक चीज़ मेरे को ख़राब लगती है कि इसके अंदर आपकी बैजिंग हर जगह बहुत ज़्यादा है, हर जगह मॉरिस गैराजेस लिखा हुआ है, मॉरिस गैराजेस एमजी एमजी ये सब लिखा हुआ है, तो वो चीज़ मेरे को एक पर्सनली बहुत बेकार लगती है, डिसअपॉइंटिंग लगती है, तो उसके लिए मैंने प्लान्स बनाता हूँ कि डीक्रोम करवा लो गाड़ी को और ये सब चीज़ें। अगर मैं पीछे की बात करूँ, पीछे मेरे को पर्सनली इस गाड़ी के बहुत अच्छे फीचर्स लगते हैं, पीछे कैमरा आपको 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है, देन प्रॉपर लाइटिंग है, ऐसा नहीं कहीं पर आपको एक्सेसिव लाइटिंग नहीं लगेगी, ठीक है। एक चीज़ जो वो ख़राब है इस गाड़ी के अंदर वो है नीचे का, आपको इसके अंदर सिल्वर पैटर्न जो है, एक ही एग्जॉस्ट है, डुअल के यहाँ पे जगह है बट नहीं है, एमजी प्लस के अंदर आपको यहाँ पे दो एग्जॉस्ट मिलते हैं, एक तो वो एक है चीज़ जो ख़राब है। प्लस देन अगेन हाइब्रिड यहाँ पे लिखा हुआ, वो सब ठीक है, इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग है वहाँ पे, बैजिंग्स बहुत सारी है इसके अंदर जो कि बकवास चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ इसकी की जो है इसकी, आपको दिख ही रहा है की जो है काफ़ी ज़्यादा स्लिक की है, एक ही उसमें 3 ही बटन्स है, लॉक अनलॉक एंड बूट का, तो बूट के लिए मेरे को सिंपली यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर बटन दबाऊँ बूट ओपन हो जाएगा, तो की दबा के रखूँ प्रेस एंड बूट ओपन हो जाता है। नाउ अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी की, तो बूट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है इसके अंदर, इसके अंदर मैसिव स्पेस है, मतलब मैं जानता हूँ मैंने अभी इसके अंदर इतना सामान मैं लिख रहा था, अगर मैं सीटें भी गिरा दूँ तो इसके अंदर आपको अराउंड 900 या 1000 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जो कि मैसिव है। जितना सामान मैं लेकर आया मेरे को पता है कि मैंने कितना सामान डाला था इस गाड़ी के अंदर, बट इसमें भी अगर दो मेरे को चीज़ें ख़राब लगी थी, एक तो पहली कि ये बहुत ऊँचा है, तो जब मैं हैवी सूटकेस रखने की बात करता हूँ तो इसके अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा जो है ये जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा लोअर है, तो मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी मोटा सूटकेस डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये इस पर टकरा जाता है, तो मेरे को निकालना पड़ता है, निकालने के बाद देन अगेन इसकी अलग रखने की जगह ढूंढनी पड़ती है, वो सब स्पेस के इश्यूज़ रहते हैं। अगर मैं उठा के दिखाऊंगी ऐसे, यहाँ पर मेरे को स्पेस है, देख रहा मेरा सामान भी रखा हुआ है, गाड़ी का कवर और ये सब टूलकिट, सॉरी टायर नीचे मिलता है आपको, बट यहाँ पे आपको आपका बेस और एम्प मिलता है, ये सब चीज़ें मिलती है, प्लस स्पेशियस है, नीचे भी सामान रखने के लिए जगह मिलती है। बाकी अगर कुछ करना नहीं, मेरे को बूट बंद करना है, बहुत ज़्यादा फीचरस गाड़ी, प्रैक्टिकल गाड़ी, बूट जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा एंड लॉक भी हो जाएगा, ये भी नहीं कि लॉक नहीं होता, लॉक भी उसी के साथ होता है। अगर मैं आता हूँ साइड में आपके वापस, तो अगर मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर देन अगेन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कार है, आपको यहाँ पर आइसोफिक्स सीट्स मिलती है जो कि ईजिली आप लगा सकते हो इसके अंदर अपने चाइल्ड के लिए। देन थर्ड पैसेंजर अगर बैठेगा, थर्ड पैसेंजर बहुत जल्दी आपको अच्छी नहीं मिलेगी, आपने हमारा किया का रिव्यू देखना तो उस पर देख सकते हो, ऊपर आया लिंक है, बट किया के अंदर भी आपको थर्ड पैसेंजर के लिए अच्छी सीटिंग नहीं है, बीच में हम्प मिलता है, ये सब इशूज़ आते हैं, बट इसके अंदर आपको कोई हम्प नहीं, एकदम प्लेन गाड़ी है, तो ईजिली लेग स्पेस का बहुत ही अच्छा है, लेग स्पेस का कोई इशू नहीं आता गाड़ी के अंदर। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, 2 कप होल्डर्स भी रख सकते हो, और तीनों पैसेंजर्स अगर पीछे बैठना चाहते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, जो अगेन काफ़ी अच्छा है। एसी वेंट्स भी पीछे दिए हुए हैं पैसेंजर्स के लिए, मैगजीन होल्डर, मैगजीन सामान रख सकते हो आप, एंड साइड में आपको यहाँ पर सीट एडजस्टर भी मिलता है, रिक्लाइनेबल सीट्स है जैसे कि आप देख सकते हो, आगे पीछे पीछे तक रिक्लाइन होती है, तो काफ़ी अच्छा रिक्लाइनेबल। प्लस अगर आपको कुछ नहीं रखना पीछे या आपको सामान रखना है, अपनी सीटें गिरानी है, तो बस सिंपली इसको ऊपर करना है एंड धक्का दे दो, सॉरी यस, सीट एकदम फ्लैट हो जाती है, तो आपका सामान ईजिली यहाँ तक आ जाता है, तो उस मामले में मेरे को गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है एंड फीचरफुल लगती है। किया इतनी अच्छी नहीं है इन सब चीज़ों में, किया डेफिनेटली ड्राइविंग में मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी थी इसके मुकाबले। तो अब हम बात करते हैं सीधा ड्राइविंग की, जिसकी मेन वीडियो है, मेन आपको मैं बताऊंगा कि ड्राइविंग में क्या अच्छा है गाड़ी की।
केबिन के अंदर बैठने के बाद आपको ऐसा लगेगा गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अच्छे से मैं फिक्स्ड हूँ। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है सीटों का, तो आगे पीछे अप एंड डाउन सबके लिए मेरे को काफ़ी अच्छा है, डिक्लाइन भी मिल जाता है इसके अंदर। जैन अगर स्टार्ट करूँ क्लच वगैरह रखने के लिए, तो 6 गियर मैनुअल बॉक्स ट्रांसमिशन बॉक्स मिलता है आपको इसके अंदर। अगर आपको इसके इंफोटेनमेंट के बारे में अच्छे से जानना है, सारे फीचर्स आपको देखने, तो ऊपर आई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो, उसकी भी स्पेशल वीडियो हमने बनाई थी इस गाड़ी के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूँ इधर, तो आपको यहाँ पे स्पेस मिली हुई है, एम्पल स्पेस देन अगेन यहाँ पे भी है, 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, ऑटो ऑफ, 360 डिग्री कैमरा जो स्पेशल फीचर में उसको बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हो कि व्हील के साथ ही एडजस्टेबल है आपको प्रॉपरली, जितना जहाँ व्हील जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ ही बताता है, सारे टाइप के कैमरे हैं। एक ड्रॉबैक देन अगेन इसके अंदर जो मेरे को लगता है कि आपके सारे फीचर्स स्क्रीन के अंदर है, यानी कि एसी कंट्रोल भी इसके अंदर ही मिलता है, तो गाड़ी जब तक ये स्टार्ट नहीं होता मैं एसी को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकता, प्लस जब मैं ड्राइव कर रहा था तो इसको हैंडल करना ही मेरे लिए काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। वैसे मैं बात करूँ अगर मेरे को बूट ओपन करना है, तो यहाँ पे मेरे को बटन मिला हुआ है बूट ओपन करने के लिए, जो देन अगेन काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब मेरे को ईजिली बूट ओपन हो जाता है अगर मॉल वॉल के अंदर जाता हूँ या वैसे कहीं। तो अब हम बात करते हैं इसकी ड्राइविंग के बारे में, लेट्स गो। तो पिकअप काफ़ी अच्छा है नो डाउट, इस गाड़ी का टर्बो चार्जर गाड़ी उठ जाती है, फॉरवर्ड व्हील ड्राइव है कार। इसके अंदर आपको 167.5 की BHP मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है। अगर मैं वैसे बात करूँ 4 सिलेंडर इंजन बॉक्स मिलता है इसके अंदर आपको, जो अगेन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इस गाड़ी की एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स देखनी है, तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, हमने सारी डिटेल्स इसके अंदर डाली है। कुछ चीज़ें जो मैं मिस कर देता हूँ, कुछ चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मैं नहीं बोलता हूँ, तो आप नीचे आके आप पढ़ सकते हो ईजिली, इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी इशू होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें DM कर सकते हो, हम आपको सब कुछ सारी आपको इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के अंदर दे सकते हैं, किसी भी गाड़ी के अंदर जो भी हमने कवर करी है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देन अगेन काफ़ी अच्छा है, मेरे को बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं इसी के अंदर। मेरे को इनबिल्ट नेविगेशन भी मिली हुई है, टॉमटॉम की नेविगेशन है इसके अंदर, जो मैं चाहूँ तो चला सकता हूँ अभी, बट हम लोग एप्पल कारप्ले यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कनेक्ट हो जाता है। बाकी आपको इसके अंदर सॉन्ग्स का ऑप्शन मिलता है, कौन सा गाना चल रहा है, फ़ोन कनेक्टेड किसका फ़ोन आ रहा है, और ये सब भी इसके अंदर आपको दिख जाता है। नेविगेशन देख सकते हो कि इनबिल्ट है, अगर सेटअप करूँ तो मैं नेविगेशन यहीं से मेरे को दिख जाएगा। हेड्सअप डिस्प्ले नहीं है इसके अंदर, तो वो मेरे को यहाँ नीचे देखना पड़ता है, तो वहाँ पे एक ड्रॉबैक मिलता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी की स्पेशल डिटेल्स, टायर में प्रेशर्स कितना है, वो भी मेरे को यहाँ पे दिख जाता है, अगर कम होता है तो मेरे पास वार्निंग भी आ जाती है गाड़ी के अंदर। अगर मैं एक चीज़ मेरे को इस गाड़ी की जो अभी तक ख़राब लग रही है, कि इसकी माइलेज जो क्लेम करी गई थी, हाइब्रिड है ये मॉडल स्पेशल, तो इसकी माइलेज सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, बट अभी तक मेरे को माइलेज अच्छी नहीं मिल रही है, 9 मैक्सिमम 10 की चली जाती है, कभी कभी अच्छी मतलब हाईवे ड्राइव हो रही है तो 11-12 तक चली जाएगी। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, यहाँ तो ये गाड़ी ऐसी है जिसका कुछ नहीं हो सकता, सेकेंडली ये हो सकता है कि गाड़ी अभी ज़्यादा चली नहीं है, तो इस चक्कर में इसकी माइलेज इतनी कम है। बट इसकी जो पेट्रोल कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है आपकी नॉर्मल इनोवा से, मतलब इनोवा के अंदर आपको 50 लीटर्स की मिलती है, 45 लीटर्स की मिलती है, जो कि देन अगेन की ठीक ठाक है, इतनी कोई ख़ास नहीं है, बट इसके अंदर मेरे को काफ़ी अच्छी मिलती है। मतलब मैं अराउंड अगर पेट्रोल भरवाता हूँ, टंकी फुल करवाता हूँ मिनिमम से, जब रिफ्यूल पे चल रही होती है गाड़ी, 50 लीटर्स के अराउंड या 40x50 के बीच में पड़ता है, देन अगेन चीज़ों पे डिपेंड करके। अगर मैं वैसे बात करूँ कंफर्ट के मामले में, जितना हम लोग ट्रैवल करते हैं इस गाड़ी में, तो कंफर्ट के मामले में गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक दो चीज़ों में इशू आता है, कि जैसे आप गियर वेयर चेंज करते हो, या कभी कभी क्या होता है जो उसका गियर है काफ़ी थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आपको एक्चुअली में जर्क फील होता है, बट वो भी हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग की बात है, इस चक्कर में ये सब इशूज़ आ रहे हैं, बट धीरे धीरे ठीक हो जाए। जब मैंने गाड़ी ली थी तब आप मतलब ये ली थी तब ये लॉन्च का टाइम हुआ था, अराउंड जनवरी में ली थी दिस ईयर, तो जनवरी भी क्या फरवरी में ली होगी मैंने, या तो उस टाइम पे इस गाड़ी के बारे में काफ़ी वो भी उठ रहे थे वर्ड्स कि चाइनीज़ गाड़ी है, पहली बात तो वो नहीं है कुछ भी ऐसा पंगा, कहने को चाइनीज़ है, वैसे चाइनीज़ नहीं है, इट्स अ UK ब्रांड ओनली जो गाड़ी बनाती है ये। दूसरी ये थी कि गाड़ी में ओवर हीटिंग का इशू आ रहा था, कि गाड़ी जल जाती है और ये सब है प्रॉब्लम, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो कोई और ही केस था, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी वैसे तो बहुत अच्छी है। अब किया की अगर मैं बात करूँ, किया भी मैंने चलाई है, तो किया जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्राइवर्स कार बन जाती है, उसकी पिकअप, उसकी इंजन पावर, वो सब सेम ही इंजन पावर, बट उसका जो पिकअप है और चलाने का जो फील है वो उस गाड़ी में ज़्यादा अच्छा है, फीडबैक आपको बहुत अच्छा मिलता है आपको स्टेयरिंग व्हील से, बट इसके अंदर वो सब चीज़ें नहीं है। ये गाड़ी थोड़ा क्रूज़ कार टाइप बन जाती है, कि आप क्रूजिंग कर रहे हो इसके अंदर। और जहाँ तक रही गड्ढों की और इन सब की बात करें, पॉट होल्स को, सस्पेंशन की बात करूँ अगर मैं पॉट होल्स और इन सब पे, तो इसके ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब ये जल्दी अच्छा एब्जॉर्ब करती है आपके सस्पेंशन और इन सब को, कंपेयर टू किया या इसके कॉम्पिटिटर्स जो भी थे हमने अभी तक करे, तो मेरे को इसके सबसे अच्छे लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के ये गाड़ी मैंने उठाई थी मतलब ख़रीदी थी, उठाई इज़ अ रॉन्ग वर्ड। बाकी जो इसका सनरूफ है, मैसिव सनरूफ है पैनोरामिक, वो मेरे को इसका एक एड ऑन अच्छा फीचर लगता है,
कि गाड़ी देख कर एकदम दिल खुश हो जाता है, बैठने में एक लग्जरी लगती है इस गाड़ी में। प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वर्थ लगती है। अगर मैं बात करूँ आपकी क्रेटा होगी, क्रेटा भी 18 के अराउंड मिलती है आपको टॉप मॉडल, तो उसके अंदर इतने भी फीचर्स नहीं है जितना ये दे देती है, या जितना कंफर्ट और इसमें लेग स्पेस और आपको ये सब मिली हुई है। अगर वो गाड़ी आपको दे भी रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लेग स्पेस और कंफर्ट में आपको कमी महसूस होगी। अगर मैं वैसे बात करूँ आपकी किया की, किया भी देन अगेन आपका GT लाइन बहुत अच्छी है नो डाउट, बट जो उससे लोअर वेरियंट्स हैं, जो लोअर मॉडल्स हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं मिलती। अब ये गाड़ी 18 की पड़ी थी मेरे को ऑन रोड, आपको GT लाइन 2021 की पड़ती है ऑन रोड। बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ ड्राइविंग की, या 0 to 100 में आपको अभी दिखाता हूँ कि 0 to 100 कितने में जाती है गाड़ी। तो अब हम फाइनल कर रहे हैं 0 to 100, लेट्स गो। गाड़ी का पिकअप बहुत ही अच्छा, फोरवर्ड व्हील आप देख सकते हो, ट्रैक्शन ऑफ है गाड़ी के अंदर, सो डेफिनेटली गाड़ी फटाफट उड़ जाएगी। जैसा देख सकते हो गाड़ी खींच रही है नो डाउट। और जहाँ तक रही सेफ्टी की बात, तो यस हमने सेफ्टी प्रिकॉशन सबने लिए हुए हैं, 80 क्रॉस हो गई इसी के साथ। यस, तो आपने अभी देखा होगा 0 to 100 कैसी गई। अब गाड़ी जो है आपने देखा पिकअप बहुत ही अच्छा है अगर लेना चाहो आप, बट इस सब का इफेक्ट आपकी माइलेज पर आपको दिख जाएगा, बहुत जल्दी दिखेगा कि गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा पिएगी। दूसरी बात, गाड़ी का आप देख सकते हो कि बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, मैंने छोड़ दिया स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हो रहा है। नॉर्मल गाड़ी में आप कभी फील कर सकते हो वेट या टायर प्रेशर से भी इधर-उधर हो जाता है, बट इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ पे व्हील सेट है वहीं पर गाड़ी जा रही है। अब मैंने यू टर्न लेना है तो मैंने स्टेयरिंग व्हील ले लिया। बाकी गाड़ी के अंदर फीचर्स की कोई कमी नहीं है अगर मैं बात करूँ वैसे, या पीछे पैसेंजर्स को भी कुछ कमी नहीं महसूस होती, उस सब के मामले गाड़ी अच्छी है। एक प्रॉपर अगर मैं लंबी जर्नीज़ कर रहा हूँ या लंबी मैंने लॉन्ग ड्राइव ली है एक दिन में ज़्यादा ड्राइव करी, तो थकान की कहीं पर मेरे को फील मतलब वो नहीं होता, फील नहीं होता, ना ही को पैसेंजर्स को फील होता है मेरे साथ जो ट्रैवल करते हैं। यहाँ वैसे भी अगर मैं बैठूँ ऐसा को पैसेंजर और कोई और गाड़ी चला रहा है, कहीं पर भी मेरे को कोई भी वो थकान या वो सब फील नहीं होगी, एक कम्फर्ट है गाड़ी के अंदर अनडाउटेडली। बाकी यही था हमारे वीडियो का, अभी हम आएंगे आपके पास दोबारा ये गाड़ी ही लेके, कैसी है गाड़ी लॉन्ग जर्नीज लॉन्ग ड्राइव्स के लिए और इन सब के लिए। अब गाड़ी रोक दी है, तो ये था हमारी गाड़ी का रिव्यू। ट्रैक्शन ऑन ही कर दो, सेफ्टी के लिए ट्रैक्शन ऑन रखना चाहिए बिकॉज गाड़ी जो है थोड़ा ग्रिप बना के चलती है, ब्रेक ईजी लग जाती है और ये सब चीज़ों में ट्रैक्शन हेल्प करता है आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। सब्सक्राइब कर लेना यार, तरस खाओ गरीब पे, चैनल बढ़ाना है, पेज बढ़ा नहीं रहे तो प्लीज़ थोड़ा तरस खाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना वीडियो, थैंक यू फॉर दैट। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी वीडियो में डाउट लगता है, कोई भी कमी लगती है, तो प्लीज़ हमें अभी कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हो, नहीं तो आप नीचे देख सकते हो इंस्टाग्राम में हमने लिंक दिया हुआ, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, वहीं पे हमें DM करिए, वहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। कमेंट में हो सकता है कि आपको 2-3 दिन बाद रिप्लाई मिले, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इंस्टा पे हमें फॉलो करके DM करोगे तो जल्दी रिप्लाई मिलेगा। कोई भी आपको जानकारी लेनी है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी आपको जानना है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए किस प्राइस रेंज में, तो हम आपको बता सकते हैं। इंस्टा पे हमें अगेन DM करेंगे तो वहीं पे हम आपको रिप्लाई देंगे इजीली और फास्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज़ बर्नआउट पवनीत सिंह, पीस।